खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए गेंद का अच्छे से नजर आना जरूरी है। हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलना कई बार खतरनाक साबित हुआ है। अलग अलग स्तर पर कुछ खिलाड़ियों की जान भी गई है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट प्रशासकों की हमेशा से ये कोशिश रही है कि गेंद का कलर ऐसा हो जो खिलाड़ियों को अच्छे से दिखे। जब से फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत हुई है, क्रिकेट रेड बॉल यानी कि लाल गेंद से ही खेला जाता रहा। लिमिटेड ओवर क्रिकेट भी शुरुआत में रेड बॉल से ही खेला गया। पहले चार वर्ल्ड कप 1975, 1979, 1983 और 1987 लाल गेंद से ही हुए। डे नाइट क्रिकेट शुरू होने के बाद व्हाइट बॉल की एंट्री हुई। पिछले कुछ सालों से डे नाइट टेस्ट कुछ ज्यादा होने लगे हैं, तो पिंक बॉल का इस्तेमाल शुरू हुआ है। अलग अलग समय पर खेल के दौरान हमारे आसपास लाइट का कंपोजिशन भी बदलता रहता है। दोपहर तक प्राकृतिक रोशनी हल्का पीलापन लिए रहती है, वहीं शाम के समय आसमान में हल्की लालिमा होती है। फ्रंट लाइट्स ऑन होने के बाद लाइट्स कंपोजिशन पूरी तरह बदल जाता है। इन सभी परिस्थितियों में अलग अलग कलर की गेंद हमारे लिए ज्यादा विजिबल होती है। दिन में लाल गेंद और रात में सफेद गेंद सबसे अच्छे तरीके से दिखाई देती है, इसलिए डे क्रिकेट के लिए रेड बॉल और डे नाइट क्रिकेट के लिए सफेद बॉल अच्छी मानी गई है। यही कारण है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए रेड बॉल, वनडे और T20 के लिए व्हाइट बॉल का इस्तेमाल होता है। रात में फ्लड लाइट की रोशनी में सफेद गेंद बेहतर दिखती है, लेकिन सफेद गेंद के साथ टेस्ट मैच नहीं कराए जाते। इसके पीछे सफेद गेंद पर मौजूद सफेदी का जल्द उतरना बड़ा कारण है। लाल गेंद पर रंग डाई के जरिए आता है, लेदर लाल रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जब गेंद पुरानी भी हो जाती है तो उसका रंग लाल ही रहता है। सफेद गेंद के साथ ऐसा नहीं होता। गेंद पर सफेद रंग कोटिंग के जरिए चढ़ाया जाता है। यह कोटिंग 30 ओवर के आसपास उतरने लगती है, इस कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है। वनडे में दोनों छोर से अलग अलग गेंद इस्तेमाल करने के कारण दिक्कत नहीं होती। हालांकि पिंक कलर को भी लेदर पर डाई नहीं किया जा सकता, इसे भी कोटिंग के जरिए चढ़ाया जाता है। पिंक और व्हाइट कलर रेड की तुलना में हल्के होते हैं, इसलिए लेदर इसे ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ऐसे में कोटिंग यानी कि ऊपर से परत चढ़ाना ही विकल्प रह जाता है। व्हाइट बॉल की तरह ही पिंक बॉल भी जल्द रंग ना खो दे, इसके लिए गेंद पर डबल कोटिंग की जाती है। डबल कोटिंग के कारण पिंक बॉल में लंबे समय तक चमक बरकरार रहती है, लिहाजा यह लंबे समय तक स्विंग बॉलिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही पिंक बॉल की चमक को ज्यादा देर तक कायम रखने के लिए पिच पर घास भी छोड़ी जाती है, इससे सीम मूवमेंट बढ़ जाती है। स्विंग और सीम मूवमेंट बढ़ने से पिंक बॉल तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार होती है। इसके उलट टेस्ट में एक गेंद को 80 ओवर के बाद ही बदला जा सकता है, इसलिए सफेद गेंद से खेल संभव नहीं है। इसके अलावा टेस्ट में खिलाड़ियों की जर्सी भी सफेद ही रखी जाती है। सफेद जर्सी में सफेद गेंद को देख पाना काफी मुश्किल है। इन दो पहलुओं की वजह से टेस्ट में सफेद गेंद इस्तेमाल नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।